अरे शुरू। किसकी याद आ गई? याद किसकी आ रही पहले बताओ। मम्मी। अच्छा पक्का? हाँ चलो भाई, इनको घर की याद आ रखिए। बोल भारत माता की। देखो जेकर इसमें साउंड तो नहीं पड़ रहा है तुम्हारे मोबाइल का, एक बार और देखे उनके मोबाइल, जिसके मोबाइल में कहीं पानी वानी में गिरा हो उसका भी आज साउंड ठीक हो जाएगा। बोल भारत माता की। देखो भाई वो लाइन याद आ रही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का पक्का। तो भाई ये सारे के सारे ऐसे जीडी जिनके नाम आ गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उपस्थित नहीं है, तो जो उपस्थित नहीं है उनके नाम बोल देता हूँ धड़ाधड़, है ना। उनमें से कुछ जैसे गुरु पवन है, अच्छा रावली आ गई है, भानु प्रताप है, विकास कुमार, अश्विनी, जीवन मंडल आ गया, इधर बीबस भी आ गया, जसवंत सिंह है, अमित है, वैभव है, रोशन सिंह और अमित कुमार, राजेंद्र योगी ये, और अभी और भी कुछ नाम है जो कि आपको सुबह तक बता देंगे हम सारी अपडेट, अभी जस्ट चेक कर रहे हैं कि कईयों को पता नहीं चला है। आपको बता दूं पहले तो चार लिस्ट है टोटल, कितने लिस्ट है? चार। जैसे अभी जस्ट वैभव एक बच्चा है उसका भी मैंने चेक किया, उसको पता ही नहीं कि चार लिस्ट है, वो एक लिस्ट में चेक करके रोने लग गए, तो रोना नहीं है, चारों लिस्ट में चेक करना है, ठीक है। तो पहले तो भाई आप सभी को, इन सभी को और आप सभी को एसएससी जीडी की फिजिकल के लिए नाम आने के लिए बहुत बहुत बधाई। एक डायलॉग और याद आ रहा मुझे, वो भी बोलूंगा मैं, कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार कागज की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार कागज की तरह हिलने लगी, पर शर्त यह है बुनियाद हिलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं बस आग जलनी चाहिए। बोल इस वीडियो को तुम मोबाइल में घुसाओ, पानी निकालने के भी काम में ले सकते हो। अरे कैसा फील हो रहा भाई? पक्का? किसको सबसे ज्यादा अच्छा फील हो रहा है? सर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा किसको फील? क्यों मुझे निठल्ला समझती थी सर। नहीं ये तो जितने भी जो फौज में सिलेक्ट होते हैं ना उनकी भी यही कहानी है, तो हमारे साथ शुरू होती है भाई। आप सोचो कि मैं खुद 8th में ऐसे मतलब धक्के लग लुक के पास हुआ हूँ, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कितने नंबर है तेरे? 96। 96 और कट ऑफ कितने में गई है? 90। 90 डिस्ट्रिक्ट है सर। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि 96 नंबर है, इससे ओरिजिनल इसको रोल नंबर भी वो बढ़ के जो है वो पता नहीं चला, तो ठीक नंबर है। प्रभु 105 कट ऑफ गई है, 117 नंबर है, तगड़ा नंबर है, 120 कट ऑफ गई है सर, और 131.5 नंबर है। ये कितना जोड़ा कर दो ना, ये 110 नंबर है सर, और कट ऑफ है तो सर 118 कट ऑफ गई। 110 नंबर कैसे है सॉरी सर बोलना, एक प्रभु अरे छोटा आदमी आने दे भाई, उत्तराखंड से, उत्तराखंड सर 124 मार्क्स और कट ऑफ 110 फाइनल है, लड्डू लाया ना, इसका लड्डू जिनकी आ रहे ना भाई उनके लड्डू मिल देते हैं 1-1 kg। प्रभु 43 कट ऑफ गए, 90 नंबर है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपी। नाम क्या है? विवश रॉय। इंस्टाग्राम आईडी रजिस्टर कर सकते हो भाई अभी भी, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आज बेटा आ जा, चल तेरा फ्री करते हैं। क्या नाम है? स्मिता रावलिया। कितने नंबर है? 81.5। गुजरात से, और कट ऑफ कितनी गई है? गुजराती गुजराती कट ऑफ कितनी गई है? नहीं लड़कियों की नहीं, लड़कियों की डाउन उससे, लड़कियों की मेरे ख्याल से इतना ही हो गया 65 के आसपास, है ना, मैंने देखा नहीं भाई, आपने देख लिया होगा, तो भी कितने नंबर है? 81.5। ओ बहुत नंबर है, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ प्रभु तेरा हो गया, इधर आ। हाँ ऐसे क्या नाम है? जय किशन पूरा। किसका? मेरा। अच्छा और कितने नंबर है? 75। कहाँ से? झारखंड। और कट ऑफ कितनी गई है? 68। अच्छा आ जा भाई, ये बराबर में है ना? यस। कितने नंबर? 122 नंबर है, 121 कट ऑफ यूपी से। अगर मान लो कि 5-7 नंबर बढ़ जाए नॉर्मलाइजेशन में तो
एक चीज मैं यहाँ बता दूं, जैसे इसके कितने नंबर लाड ले, 122 नंबर है, तो कुछ बच्चे ऐसा नहीं सोच लेना कि 122 से 121 में मेरिट गई है। एसएससी जीडी पहले बात तो किसी भी समय सीटें बढ़ा सकती है, छोटू जिस हिसाब से इस बार सीटें बढ़ी है फाइनल मेरिट तक और भी सीटें बढ़ सकती है, लगभग 8000 पोस्ट की और भी जैसे आई अनुमान लग रहे हैं कि पोस्टें बढ़ सकती है, ठीक है, तो बढ़ जाएगी। और एक चीज 2018 वाली वैकेंसी की तुमको याद दिला दूं, 2018 में क्या बात था, 40,000 बच्चों को एक सेंड किया था, बाद में जैसे फिजिकल कंप्लीट हो गया था उसके बाद में फिर बुलाया था 20,000-30,000 बच्चों को। तो जिसके भी नंबर है वो रनिंग में कोताही मत कर लेना, अगर बराबर भी नंबर है एसएससी जीडी वेटिंग लिस्ट वालों को भी ज्वाइनिंग देती है, समझ गए बात को। तो जिसके भी जैसे इसके 121 नंबर है, 122 और 121 की है, रनिंग पास करनी है, मान लो कल वो सीटें बढ़ा दी 8,000 तो 10,000 बढ़ गई सीटें, तो अब आप बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर तो सीआईएसएफ की जीरो पोस्ट थी और 3 दिन पहले सीआईएसएफ की 5,000 पोस्ट बढ़ा दी, तो उस हिसाब से तो बहुत गलत डिसीजन था, क्योंकि कुछ बच्चे तो सीआईएसएफ अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा एसएससीडी में बार बार होता है, इसलिए आपको रनिंग तो करनी करनी है। अगर आपके माइनस में भी, माइनस वाला कहाँ है, हाँ ध्यान रखना। इधर आ जाए साहिल आगे, कितने नंबर है, 114 नंबर, 114 नंबर, और कट ऑफ 111, ठीक है मामला सेट। इनके ये ऐसे सबके चक्कर में था भाई, बता नंबर 135 में सिलेक्शन तो फाइनल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये ऐसे सबके चक्कर में था, जबकि ऐसे सबकी कितनी गई है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सबकी अब ज्यादा उछाल नहीं मारेगी, क्यों उछाल नहीं मारेगी, क्योंकि एक तो जो इस बार गुना है वो 8 से ऊपर पास नहीं किए, यानी 8 गुना के अंदर ही है लगभग लगभग आंकड़े, और थोड़ा बहुत तुम्हारे की इसमें इसमें कोई संदेह नहीं, 137 गई है ना, तो 100 नहीं उसको थोड़ा बोलता है क्या, तो 140 नॉर्मली होते हैं, 145 प्लस फाइनल मेट एसएसएफ के लिए, पर हो सकता है 150 ही जाए, पोस्टें कम है ना, एनसीबी तो है ना इस बार। हाँ आ जा प्रभु आगे कमांडो, बाकी इनके कोई और कोई टेंशन नहीं है इनका, मेडिकल सबका और रखा है, अरे मेडिकल सबका और रखा है, हो रखा है भारत माता की, मिठाई खिलाएंगे इनको पहले, पूछ रहा हूँ मिठाई खिलाएंगे, नहीं तो साथ में खिला देते यार, बता भाई पकड़, बता 94 नंबर किसके, और कटो 72 अब सोच लो आप, पकड़ ले इसको 72, आवाज देख लेना भाई सही आ रही कि नहीं आ रही, तो क्या अभी तुरंत तेरे से शुरू करें मिठाई करने देते ना, दबा दे भाई, हाँ डब्बा दे जिसका नाम आ गया उसका बहुत बहुत बधाई, नाम नहीं है उसको अगली बार आ जाएगा, योगा इसका एक भाई वो यूट्यूब चैनल भी है इसका, क्या नाम है, कर रहे भाई शर्मा जी सीआईएस है, प्रमोशन कर भाई, 5,000 रुपए लिए इसके, 5,000 रुपए लिए हैं तो कर प्रमोशन, मार्क्स भी नहीं बताया था, 122 मार्क्स और 122 कटो बराबर पर है, लेकिन इसको मैं बोला चाहे आपके बराबर में हो, अगर आपका नाम आया है तो आपको इसी बात की खुशी मनानी है, क्योंकि आप 57 लाख में से या 30 लाख में से 25 लाख में से वो बंदे हैं जिन्होंने मेहनत की, कम से कम ये तो है ना कंपटीशन के लायक तो हो तुम, तो इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा सिलेक्शन, ये भी बता रहे थे जिनको मोटिवेट करने के लिए 7 पेपर दिया हूं इस बार सर, ये 7 क्लियर कर लिए, ताली जो भाई इसके लिए, कब से कर रहा तैयारी, 2 साल हो गए, कहने का मतलब एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिलती, आ जा बेटा इधर आ जा, पहले रावण लिया आ जा, ए खुशबू लेना है केवल ले बेटा इधर आगे, उसमें आई नहीं गेम ने बताया कि दी नहीं लड़की को गिराई नहीं, ठीक है खाते रहिए, अच्छा अब जिसका नहीं हुआ उसको खिलाएंगे, जिनको हो गया उनका चल इससे शुरू करते ले, हाँ इधर आ जा आगे, अरे रुक जा पहले जो नए वाले जिन्होंने नहीं बोला आज आगे, हाँ क्या नाम है, अफजल खान कितने नंबर है लाट दे, 119 नंबर है सर, 119 बराबर पर आइए, एक तो ये देखिए योगा जिनका चैनल है सी आई सब करके शर्मा जी, बराबर आइंस्टाइन बताए अफजल खान ठीक है बस चल रहा है सही है, आ जा हाँ अगला, ऐ इसका और रखा मिठाई तो फिर उनको डबल जाएगी, कोई टेंशन नहीं, मिठाई दबा के मंगा रखी है तुम्हारे लिए, मंडल वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट, इसका तो ठीक है ना वही मालदा है भाई, इसका मिठाई 68 नंबर है और कट अप गया 43।
मैं जब यहाँ पे आया था सर तो मुझे हिंदी तक भी नहीं आती है पढ़ना। हाँ ये बंगाल में हिंदी नहीं आती थी, ये सही बात है। क्या क्या पढ़ना सीखा था यहीं पे, यहीं पे क्या क्या लिखना पढ़ना सीखा था हिंदी में। पहचान किया था सर इधर हिंदी अल्फाबेट, अल्फाबेट पहचान सीखा था इधर। तू भी बंगाल के साथ में आ जा, साथ में आ जा। हिंदी नहीं आती थी तुम्हें बंगाल, बंगाल में क्या मेरे वीडियो ज्यादा देखते है? एक तो बंगाल में, एक यूपी में। यूपी, यूपी से कौन कौन हाथ खड़े करो? यूपी, अरे हाथ रखना भाई, भरपूर से है क्या तू? ये यूपी की शक्ल, ये दो चार आदमी है जिन्होंने शक्ल अलग ले रखी है, मतलब लगता नहीं यूपी का। हाथ खड़े करो यूपी वाले। हाँ ये देख लो यूपी वाले शक्ल, झारखंड, हाँ झारखंड का, बिहार, बंगाल के होंगे ये दो लोंडे। सिलेबस तक पता नहीं था, 90 दो चार चीजें बोल देता हूँ, लाड दो ध्यान रखना। अगर जो भी कोई भी पश्चिम बंगाल से देख रहा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर, गुजरात, अगर यहाँ का कोई भी बच्चा है जिसको एस एस जी डी में सिलेक्शन चाहिए, गारंटी 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगी। अगर क्लास 10 भी पास किए हो, माध्यमिक मतलब क्लास 10 भी पास करके आ जाए, कुछ भी ना पता हो, फिर भी वो सिलेक्शन लेके जाएगा 100%। हाँ क्योंकि उसके पीछे रीजन है। अब जैसे की कटो कितनी की है, 43, और राजस्थान में बता रहा भाई 120। तो पंजाब की तो बोल रहा हूँ ना, ये इसमें पंजाब एक राज्य और ऐड कर लो, और भी एक उत्तराज्य, मतलब अगर इन राज्य का कोई भी बच्चा अगर आ गया, उसको सिर्फ सिलेबस, इनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन नंबर 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 ले आए हैं, ये नहीं, और राजस्थान वाले हिसाब से तो फेल है, आस पास ही नहीं है ना राजस्थान में, तो ये लड़कियों की टॉप ही नहीं है, समझ में आ रही है? मतलब सारे आरक्षण देते तो भी नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे इन स्टेट से हैं, 100% में तो ये जब आते हैं ना तभी लिख लेता हूँ नौकरी, जब आता है कोई पश्चिम बंगाल से, इन जो मैंने स्टेट बताए, अब राजस्थान का इनका बताता हूँ, राजस्थान से कोई बच्चा आता है वो भी तैयारी करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि राजस्थान वाले को जैसे ये 2 साल हो गए इसको, और 3 साल भी करनी पड़ती है, तेरे को कितने साल हो गए तैयार करते हुए? इधर आ वो भी अच्छी बात है, 7-8 साल तेरे को कितना टाइम हो गया तैयार? 2 साल हो गए। 2 साल, अब जैसे इधर लाट ले 7-8 महीने, हाँ हाँ कोई बात नहीं, 7-8 महीने में तैयारी की, कितने नंबर है? 105 है। कट ऑफ कितनी गई है? 90 गई है। कहाँ से? राजस्थान। अब सुनिए, 105 नंबर लेके आया है, वो 135 नंबर लाया है 7-8 महीने में, तो मैं कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान का जरूर नहीं कि पहली भर्ती में सिलेक्शन हो, यहाँ पर कौन कौन सा है जिसका पहला ही पेपर था, हाथ खड़ा? एज भी पहला ही हुआ सर। अच्छा, ये केवल 6 लड़के हैं, बाकी सब घिसे हुए हैं तगड़े। योगांग, योगांग यूट्यूब चैनल वाले, ओ शर्मा जी से आए सर, ये सब्सक्राइब करना, कोई 5,000 रुपए दिया है करना जरूर सर। तो कहने मतलब हर एक इंसान की पहले ही जरूर नहीं कि पहले हिट में ही लगे, लेकिन अगर आप कंपटीशन में आए हो तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी। एडमिशन के टाइम पे तो सर आप बताए देते 60% नंबर पक्की है तेरा। हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, जो स्टेट बोल रही है कि तो नौकरी में क्या बोल रहा हूँ, उनके पता क्या होता है आपको, जो भी बच्चे जैसे मान लो बंगाल से, उसको नहीं पता नहीं ये चीज, उसको कैसे पता चले इनके साथ वाले बंगाल के, उनको नहीं पता, उनके नंबर ही नहीं आ रहे, आप सोचो 43 पे मेरिट क्यों गई है, वो जानते ही नहीं, क्योंकि वो लोग, हाँ वो जानते नहीं, एक तो ऐसे जीडी क्या होता, दूसरा अगर जानते उनको सिलेबस का नहीं पता, इनको भी नहीं पता। अब इंग्लिश तो ये भाई साहब बहुत वैसे भी खतरनाक है, तो इंग्लिश तो पाठ कर नहीं पाएंगे, तो हमने ही हिंदी सिखा दी, अब ये हिंदी में लिख भी लेते हैं और कर कर करके सीख जाता है, कोई भी लैंग्वेज 3 महीने में बच्चा सीख सकता है। ठीक है, हाँ आगे, और वो बच्चा के नहीं लेके जाऊंगा, ले भाई बोला मिठाई तो खिला दो सर, आ जा प्रभु, आ जा तुम्हारे बेटा सबसे लाइफ में है, लाड़ना तू खा ले, फिर हो गए सर। राकेश मीणा 2 साल से 108 नंबर है और कट ऑफ गई है 109। माइनस में नंबर है, एक नंबर माइनस में, लेकिन जो बताओ क्या हुआ इसके पीछे रीजन, ए तुम बताओ क्या हुआ? नॉर्मलाइजेशन, कि इसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ रखे हैं, वो भी रोल नंबर आए नहीं है, तो अब अगर इसके मान लो अगर ये मीणा कैटेगरी एसटी है ना, अगर इसके 7 नंबर भी बढ़ गए या 6 भी बढ़ गए, ज्यादा बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं बोल रहा हूँ, बढ़े हैं
सात सात आठ आठ नंबर यहाँ पर एक बंदा है जिसके अभी तेरह नंबर बटे है ना उसके बटे इसके इधर क्या नाम है 114 और कटो 120 इसके लगभग 12 से 13 नंबर बटे हुए हैं तो बट कितने नहीं छह के तो आपको पता नहीं एक्जिट आंकड़ा तो 14 नंबर भी बटे हैं कहने मतलब 7-8 नंबर बढ़ सकते हैं जिसके इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ जो बराबर पर है कहने मतलब 120 पे कट ऑफ की 120 पे उसको रनिंग की तैयारी करनी है 100% और फाइट भी करना है सीटें बढ़ गई तो भारत मौज आ गई राजा भाई तेरा नाम है लिस्ट में का मतलब है अगर फ्री फंड के नहीं बढ़े जिनका पेपर हार्ड था उनके बढ़े क्या होता बता जब बोलता हूँ तेज हाथ पैर वो स्पीड में हाथ अरे मैं बोलता हाथ से दौड़ने दौड़ रहा है तू पैर से दौड़ रहा है इसको याद दिलाना पड़ता बार बार फिर 100 मीटर दौड़ेगा बोले विराट सर आने क्या दिखते फिर दौड़ेगा ऐसे कर करके 5 किलोमीटर पास कर लेगा कोई बात नहीं खाओ ये तुम्हारे लिए है क्या नाम है विश्वजीत हाँ और कितने 123 नंबर और कितने पे गई है 109 हाँ कोई बात नहीं खाई हाँ खाई 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 अरे नाम कर देना अरे कोई बात नहीं खा भाई पूरा सुटाई भाई ये अपने वीडियो में नहीं लगा पर वीडियो छोड़ दिया ब्लॉग ब्लॉग फिर लग अरे ले अगला चल हो गया पंजाब नहीं हुआ तेरा मिठाई बाकी रही होगी अच्छा इतनी जगह है आ जा भाई आ जा उतर कोई तेरा रह गया ना मिठाई तो बाकी है तेरी छोटू हो गया क्या हो गया अरे ये रह गया ना भाई तेरा इतनी छोड़ दो नया डब्बा खोलेंगे और चिंता अरे रख इधर है ना और खोलेंगे चिंता मत ऊपर रख छोड़ दो मतलब इसको खिलानी है कितने नंबर काट ले 96 नंबर है और कटो कितने में लगे 40 पंजाब से ना हां जी आहा कहीं कहीं और कौन है भाई जिसने मिठाई ली अरे दादा कोई बात नहीं उसको छोड़ कोई टेंशन नहीं आ जा एक और खा भाई लड़का आदमी है एक और खा हाँ तू दबा ना ला जा अच्छा तू कुछ एक बात बता रहा था क्या बता रहा था हाँ नहीं तू बात कुछ और बता रहा था मेरे को याद नहीं आ रही आते ही पहले कुछ बताया था इसको नहीं नहीं कुछ अलग बात बताई थी अरे हाँ भर्ती रद्द करा देंगे भर्ती रद्द नहीं करानी है इनका हो रखा उनका तो सोच है और बोल रहे बेटा के बिना आ जा देखो ये तेरा है एक तेरा एक मेरा और बोल रहा है नहीं अरे मैं छोड़ो पहले रुके रुके अरे रुके भाई सर ये भाई भी तो रह गया और रुको 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 अरे खा ले खा ले अरे इधर आओ सारे ये माला इसलिए पहना जा रही भाई जल्दी इधर हाँ मेरे को मैं क्या पहनूंगा यार अरे मेरे लिए फूल नहीं मेरा दिल है
हाँ अच्छा कोई शायरी बोलते हैं बढ़िया सी एक पहले, कौन सी शायरी बोले बताओ जुनून पे मेरे को शायरी याद करनी पड़ेगी, शायरी तो करनी पड़ेगी यार आज तो करनी पड़ेगी। इंकलाब वाले बोलते भगत सिंह जी एक बहुत खतरनाक लाइनें याद आ रही मुझे, थोड़ी लाइनें याद आने दो भाई मुझे के परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, धरती पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो हिफाजत कर संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। अरे ये ये वरमाला वाली है, अरे ये वरमाला वाली है भाई मुझे नहीं पता भाई, शाम के समय जो मिली है ना ये पहले एडवांस में ये तो गलत बात है भाई। आदि तर भाई किसी छोटी बेटी आ जाए नाराज नहीं होना, छोटे बेटे और भाई इनके सभी माता पिता को हर दिन दिन बच्चों का सिलेक्शन है, उनके सभी के माता पिता को इसकी इच्छा इसको बोलने दे अपनी मम्मी के लिए, मैं बोलूंगा ले माइक पकड़ कर ले। हाँ, देख लीजिए मम्मी आपका लड़का पास हो गया। हाँ, आप कहती थी पास नहीं होगा कभी, तो हो गया मेरे पास, इस बार वर्दी लेके आऊंगा, फाइनल करके आऊंगा इस बार। पापा से बोल देना, आप पापा से बोल देना, पापा खुद देख लेंगे ना वीडियो, क्यों व्यूज कम कर रहा हमारा एक, आप भी देख लीजिएगा पापा। हाँ ठीक कर देना ना पापा, पापा को बता देना तो बोल सकता है कोई भी। आप सभी बोल रहे थे ना कमांडो एकेडमी का रिजल्ट कहाँ पे है, तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। अरे ये केक ले, ए पड़ोसियों देख लो पते की बात, ये पते की बात, ये भाई का शरीर हल्का है, ये आदमी जमीन के ऊपर जितना ना उससे चार गुना है नीचे, इसने सारी बात बोल दी एक ही लाइन में। मैं हमेशा बोलता हूँ ये लाइन कि पड़ोसियों की छाती पे डीजे बजाना है, हाँ नहीं तो पड़ोसी तुम्हारी तरफ कर देंगे उसका डीजे का फेस। डीजे वाला फेस किधर रखना है, पड़ोसियों किधर है, वो डीजे बजाना भी है फिर बाद में बोलना। अरे एक चीज बताता हूँ मैं पड़ोसियों वाली जान लाड जाना ना, अगर जैसे किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता ना तो पड़ोसी आके बार बार पूछते हैं क्या हुआ तेरा, क्या हुआ तेरा, कब आएगा ये मेरा, कब आएगा अब नहीं पूछेंगे चार बार तो बताना है, क्योंकि अपने माता पिता के लिए इतना तो करना कि कम से कम अपने जिस समाज में रहते हैं अपने घर परिवार में उसमें एक बार के लिए उनके छाती क्या हो जाए चौड़ी हो जाए। आज भाई आज मंगा लिया जल्दी, उत्तराखंड की पहाड़ियों में मेरा जैसा लागे शाबाश। हाँ वैसे अब इनको रनिंग का टास्क बचा है तो वो क्लियर है, रनिंग का तो कोई शक है किसी को नहीं होना चाहिए। योकांग शर्मा जी सी आई सब नाम से यूट्यूब चैनल है, आज से ही ज्वाइन कर लेना बोलोगा तेरे से। अच्छा इंस्टा आई डी बोलेंगे भाई बुलवा देसी, हाँ फोटो भी ले लेंगे अपनी मिस्टर जूबी 76 इसके में सीटीएल का पेपर हम उम्मीद करते हैं, वो भी फाइट जल का नहीं पहले भी दिया लाडली उसमें भी फाइट कर ले, और ऐसे जीडी वाली पोस्ट किसी के लिए छोटे किसी भाई के लिए ताकि उसका सिलेक्शन हो, ठीक है। आ जा आ जा, एक माला में आ जाएगा क्या तू, इसकी चार पांच मारनी पड़ेगी, शरीर मोटा है इसका, मुंह लाल नहीं आज इसके सारे काम लाल हो जाएंगे। अच्छा मोहित मीणा भाई, मोहित मीणा आपको बहुत बहुत बधाई लाडले, और आपके परिवार वालों की बहुत बहुत बधाई, और कुल मिला के मेरे को पता है भाई मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, सुने एक बात बताता हूँ ए लाडले एक मिनट जल्दी माला वाला कंप्लीट करते हैं एक बार जल्दी, आ जा तू भी पहन ला जा, चलो आ जा बाद में पहना ही नहीं रोएगा बाद में इसे सब पहना देते हैं। क्या नाम है छोटू, शिवम सिंह। चलिए भाई कोई बात नहीं, इनके माता पिता का आशीर्वाद अभी मैं पूरा दे रहा हूँ, चिंता मत करो आप, पूरा भर के दिया हुआ है,
कम आ रहा है क्या किसी के, तो दोबारा आ सकता है, झुकते ही मिलता है भाई। ये भी ये का बहुत स्मार्ट है, इंस्टाग्राम आईडी बता दूंगा इसकी ले लेना बेटा किसी का, अगर और भी लिस्ट में नाम आया तो इनका भी आ रखा है, और जब एक ही डिपार्टमेंट में रहते हैं तो एक जगह फैमिली क्वार्टर मिल जाता है इसका भी बढ़िया नंबर है, फैमिली क्वार्टर एक जगह मिल जाता है। आ जाओ तो फिर एक चीज बताऊंगा तुमको मैं, तो भगत भी कम आदमी का नहीं है, शिपू जी का ही भगत भी, अरे देशभक्ति देशभक्त है। चलो एक बात बताता हूँ, हाँ ये बची हुई मेरी, बची हुई मेरी भाई, एक और राम सर को, अरे वो राम सर को बुला ले, वो राम सर की है। चलो एक चीज बताता हूँ, सुनो ये तुम्हारे लिए एक बात बताता हूँ मैं क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, ठीक है। जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था ना, जब इस SSC में नाम आया था, तो मैं इनको एक चीज बोला था, चाहे आपकी कोई सी भर्ती में नाम आए, मेरा जरूरी नहीं कि सीधी सी भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ऐसा नहीं हुआ था। ये पहले विफल था, जैसे तुम्हारे को किसी को मिली, आज भी किसी को मिले, विफल भी हुए हैं, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हुआ ना, उसके बाद में क्या बदला उसके बारे में बता दूंगा। सबसे बड़ी जो चीज़ बदलती है ना, वो आपके माता पिता की रिस्पेक्ट, पैसे से कोई मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी में लग गया, उसकी एक चीज ये है कि एक तो अच्छा लड़का है, तो उसके माँ बाप की थोड़ी सी छाती थोड़ी हो जाएगी, थोड़ी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अब गांव में पूछते रहे फौजी छुट्टी आएगा क्या नहीं आएगा, माँ बाप को मुझे बता दो कि कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बेटे बेटे से पैसे की उम्मीद लगाते, कोई नहीं लगाते हैं। अरे जिसने आपको पैदा किया है तो आपसे क्या उम्मीद करेंगे, जिसने बनाया है आपको, इस दुनिया में लाया है जन्म, जो कुछ तुम देख रहे हो किसके बदल देख रहे हो, तो वो तुम्हारे से कुछ लेने, तुम्हारी औकात भी नहीं है, तुम उसको कुछ दे दो। उनको जो तुम दे सकते हो वो है इज्जत सम्मान, तुम्हारे कहने से, पापा पापा कहने से, मम्मी मम्मी कहने से सम्मान नहीं मिलता, लोग कहने चाहिए आसपास के गांव के, समझ में आ रही बात, लोग कहने चाहिए कि अरे इनका लड़का फौजी है भाई। अपने आप ही उनको 10 घर में चाय पिलाएंगे, लोग आके बैठो बैठो, और जो पिलाएंगे ना उनका भी कोई स्वार्थ नहीं होगा, बस उनको भी ऐसा लगेगा कि भाई इनका लड़का वाकई में सही है। तो माता पिता को इससे ज्यादा आप अपने माँ बाप से पूछ लीजिए, उनकी कोई ख्वाहिश भी नहीं होगी कि मुझे लंदन घुमा दे, मुझे वहां ले चल। आज तक जो भी फौजी बना है कभी अपने माँ बाप को ज्यादा से ज्यादा कोई 2-4 जगह घुमा पाता जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, क्योंकि फौजी लाइफ ऐसी होती है, 2-3 महीने की छुट्टी होती है, वो ऐसे निकल जाती है, तो इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए बड़ी बात क्या है, सम्मान। तो मैं कहता हूँ जब आप तैयारी करें, एक इनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पिछले 8-9 महीने या 10 महीने से तैयारी नहीं करता, एक भी ऐसा नहीं है जिसने 3 महीने में सिलेक्शन लिया, कोई है कोई भी, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कोई 3 महीने में नौकरी लग जाए। जब हम आपको बार बार बताते हैं ना कि अभी से तैयारी करो SSC GD 2023 की, तब सिलेक्शन होगा, नहीं तो भूल जाओ, भर्तियों के फार्म भरते रहोगे, जिंदगी भर पछताते रहोगे, ठीक है। पर अपने कम से कम मैं तो ये बोलता हूँ, चाहे तुम नौकरी बाद में करो चाहे मत करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बार अपने माँ बाप को कम से कम सम्मान की जिंदगी दे दो, ताकि उम्र बढ़ जाती है 5 साल, सीधी 5+ कर देना एड, ऐसे अगले दिन चल चला दिया जाएगी, ऐसे चलेंगे तेरे पापा जी, ये जो पापा जी का मान लो वो बुढ़ापे से कंधा भी टेढ़ा हो रखा है ना, तो वो पुष्प वाली बाहू की तरह चलेंगे ऐसे मतलब बुढ़ापे से हो रखा है पूरा पुष्प बाहू बन जाएंगे है? और मम्मी में मतलब कि जहाँ पे भी बैठेंगे ना, कोई गीत मान लो जागरण भी होगा ना, मैं बता रहा हूँ मेरी मम्मी की, मेरी मम्मी 3-3 किलोमीटर जाती थी जागरण में बताने के लिए कि भाई मेरा बेटा फौजी बन गया है, मतलब मेरी मम्मी पैरों में दर्द था पहले तो नहीं जाती थी, रातिस गा गाते हैं ना वो, तो मेरी मम्मी क्या गायक कलाकार रातिस की, तो मतलब जो मेरी नौकरी लगी तो मैं बोला मम्मी तेरी तबीयत खराब है, बोला नहीं नहीं भाई उनके तो बुलाने आए, तो मैं तो जाऊंगी, अब मेरे को थोड़ा ना पता था मम्मी वहाँ हवाबाजी करने जा रही है भाई हवाबाजी मेरे को नहीं पता था, मेरी मम्मी से बुलवा दूंगा तुमको, मेरी मम्मी तो बहुत हवाबाजी की है, तो अभी भी करती है, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, जब से मैंने जैसे अकेडमी चला रहा हूँ, ये मतलब एक प्रकार का ये बिजनेस है, इससे इतनी हवाबाजी नहीं करती मेरी मम्मी, कभी किसी को नहीं बोलती भाई मेरे बेटे के खेत में, लेकिन जब मैं फौजी जब तक फौज में था तब मेरी मम्मी जहाँ पे भी जाए ना यूं ऐसे, तो वहाँ उस समय रातिसगा की बात बता रहा हूँ, तो मतलब मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर वो रातिसगा मतलब एक घर पे किसी जागरण जो महिला देती है वो वहाँ जा रही, मैंने कहा मम्मी तेरी बुखार है, बोला वो बीच में एक डॉक्टर की दुकान है वहाँ से गोली ले लूंगी, पर जाऊंगी पक्का
मुझे भी नहीं पता किस लिए, तो मैंने कहा चल मैं छोड़ के आता हूँ। बोला नहीं छोड़ के नहीं ना, मैं जाऊंगी उनके साथ। मैंने कहा तेरे घुटने में दर्द है? बोला नहीं मेरा दर्द नहीं। अब वो जानी साथ में क्यों जानी मम्मी की, यहाँ से घर से रवाना हूँ तब से बात चले। कहा तुम्हारा बेटा तो नौकरी लग गया। फिर मैंने मम्मी बोला हाँ भाई पटाया हूँ उसको, उसको फीस जमा कराई हूँ उसकी, उसको मैं भेजी हूँ, ध्यान रखी हूँ उसका, और तीन बार कोचिंग करवाई हूँ उसको, और चार बार वहां भेजी हूँ। ये बताते बताते जाना, फिर रातीस के में गीत कम मेरी मम्मी ये ज्यादा बता रही है। वो उनके जिनका रातीस का था ना, उनके वो आरती 12 बजे वाली 2 बजे हुई थी, 2 घंटे मेरी वजह से लेट थी। समझ आ रही है? मतलब मेरी मम्मी ने नरेगा ज्वाइन कर ली झट से। मैंने कहा मम्मी जब नौकरी लगा तो अब नरेगा क्यों? वो मेरे को बाद में पता चला 6 महीने बाद में कि मम्मी ने नरेगा ज्वाइन क्यों की है, वो हवाबाजी करने के चक्कर में। अरे मेरा बेटा पहुंची है भाई, और वहां जाके बताया फिर पढ़ाया भाई ऐसे नहीं बनाया। तो ये मतलब कि वो जो खुशी है ना, आप सोचोगी 2 किलोमीटर चले जाए पैरों में दर्द और बुखार में माँ बाप, समझ मेरे पास इस बात का भाव कहने है। मतलब आप ऐसे बोल दो आपको पानी गिलास नहीं पकड़ा पाएंगे और वो चलने लग जाएगा, तेरे दादा को पता चलेगा ना पोता फौजी बन गया है, अगले दिन देख तू पूरा पशु भाव की तरह यूं टांगड़ी लेकर बाहर खड़ा हो जाएगा घर के। हाँ नहीं एनर्जी घर के बाहर खड़ा रहेगा, भले खड़ा ना रहे फिर भी जो आएगा ना उसको बताएगा हाँ 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 मेरा ही पोता था वो मेरा ही पोता था। और तुम भी फिर बाद में पूरे फॉर्म में आ जाओगे, तुम भी फिर बाद में ऐसे वो जब लड़की का रिश्ता विश्ता आएगा ना तो बोलोगे नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी, पीछे से बोलोगे फोटो तो दिखा दो। तो ये भाव जिंदगी में जीने हैं, समझे बात को? मौज आएगी, आवाज नहीं आई भाई? नहीं नहीं आवाज आई क्या भाई? एक आवाज नहीं आई, तेरी आवाज नहीं आई। हाँ राम सर बुला बुला जल्दी, राम सर आओ। राम सर क्या भोजन करने लगे क्या? राम सर लिस्ट रिफ्रेश कर रहे हैं भाई, भोजन करने लगे थे क्या? ये बना रहा था अभी, और भी भाई लिस्ट बाकी, मैं आपको नाम बता दूं कहाँ है वो लिस्ट। हाँ ये भाई राम सर की बहुत मेहनत है। ओके 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 चले भाई राम से शुभकामना दे दो भाई, बाकी भी और भी बच्चे क्या एक और अच्छा है एक मिनट के बाद कोई बात नहीं, लो पकड़ो भाई अब राम से की शुभकामनाएं ले लो। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि इनका लास्ट में फाइनल सिलेक्शन हो जाए और अंतिम अंतिम चरण तक ये लोग सभी पहुंच जाए, तो बाकी तो हाँ बिल्कुल बाकी सब खुश नजर आ रहे हैं आज, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हम सब के लिए, बहुत ही अच्छी और हाँ बहुत ही बड़ा एक खुशी का पल है सबका। बिल्कुल सबने अच्छी मेहनत की और आज इस मुकाम तक पहुंच गए, इनके माता पिता भी सभी खुश हैं और ये भी आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ सबका अच्छा टारगेट है, इनका फाइनल सिलेक्शन भी लगभग सबका हो जाएगा। अब